Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So in this video lecture, we are going to study about the Union Parliament. Okay, and I hope ki ye last lecture hoga, kyunki bahut dino se ye lecture pending hai, and thoda sa hi part baki hai. ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा depth में जाना पड़ेगा. Again, थोड़ा chapter number 2 जो है, ठीक है, वो भी इसमें मुझे utilize करना पड़ेगा. इसके थोड़े थोड़े parts, जैसे कि you know, the impeachment process, ठीक है, impeachment process है जो हमारे president का, ठीक है, वो भी हमें समझना है. तो impeachment process है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझानी है आपको. ठीक है, तो continue करते हैं. Let me rub this first. Okay. थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ मैं, आई कैनॉट अडेप्ट माई सेल्फ सो ईजीली, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं, एंड आई होप कि आपको भी लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जो है पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिए. ठीक है, जस्ट रिवाइज इट, एंड टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी बाकी है. ओके, तो आप रिवाइज कर सकते हैं वो, एंड वी विल स्टार्ट अगेन. यही फिर वो जो 5 या 6 शायद मैंने पार्ट्स बना चुका हूँ, ठीक है, उसको आप रिवाइज कीजिए. थोड़े लंबे पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि उसको आप देखिए फिर से, क्योंकि यू नो शायद 15 दिनों से मैंने लेक्चर नहीं लिया, जस्ट बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर, एंड जो पेन एंड टेबलेट था उसकी वजह से भी थोड़ा रुका हुआ था. अभी तक मैं इस चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या करें कि थोड़ा बहुत यूज़ करना तो पड़ेगा ही, है ना, राइट. चलिए शुरू करते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, वो है कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ द हाउसेस, द बोथ द हाउसेस, ठीक है, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो यहाँ क्या है कि हमें देखना है कि कहाँ पर नो लोकसभा एंड राज्यसभा के पास कहाँ पर वो दोनों इक्वल स्टैंड करते हैं, दे हैव इक्वल पावर्स अमंगस्ट देमसेल्व्स, और वी कैन से दे हैव अनइक्वल पावर्स, है ना, या अनइक्वल पावर्स भी कह सकता हूँ, या फिर कहेंगे ईच ऑफ द हाउसेस हैविंग इज हैविंग नो स्पेशल पावर्स. ठीक है, राइट, माफ़ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन एज यू नो मैं भी अडेप्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर नहीं है, राइट. सो किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन आई विल टीच यू सम पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, वो किस तरीके से अपने अपने दोनों के स्फीयर्स में जो पावर्स है, ठीक है, उसमें वो दोनों अलग है, ठीक है, दे आर डिफरेंट, ठीक है, हर एक अपने आप में एक यूनिक हाउस है, राइट, इन सर्टेन केसेस, तो वो हमें डिस्कस करना है. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. इसके बाद सबसे पहले आता है दिस वन, दैट इज इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा. इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, अब आई होप आपको पता होगा कि यू नो मैंने बहुत ही शायद सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में सिखाया था ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल का जो पैसेज है. ठीक है, राइट, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है आपको पता ही होगा, राइट, दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकेंड हाउस, राइट, बोथ द हाउसेज ऑफ इक्वल पावर. तो ऑर्डिनरी बिल कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं, आइदर इट इज फ्रॉम लोकसभा और इट इज फ्रॉम राज्यसभा. यहाँ पर अगर लोकसभा को कंसिडर करेंगे तो यहाँ हम राज्यसभा लिख देंगे. ठीक है, तो बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर. देखिए, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है, तो सॉरी ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि एक डील्स विद द लॉ मेकिंग. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल आपको बता दिया है कि जनरली जो लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है, वो हमारे पार्लियामेंट के पास है. तो लॉ मेकिंग पावर यहाँ पर किसका है भाई, तो कहेंगे हमारे पार्लियामेंट का है. ओके, ठीक है, राइट, अब सेकेंड देखते हैं. ऑर्डिनरी बिल तो समझ में आ गया, राइट, ठीक है, सेकेंड आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, और ये बिल को समझने के लिए इसका मैंने, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में है ये, ठीक है,
लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस में नहीं है, बट नो ये तो टॉपिक रिलेटेड है किसी और टॉपिक से, लेकिन वो टॉपिक सिलेबस में है. सो वी हैव टू डील विद दिस ऑल्सो, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द CAA. ठीक है, अब देखिए, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है. ठीक है, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, एंड आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, राइट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो किस बारे में था इस बार के लिए. ठीक है, अभी हाल ही में दिस करंट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उन्होंने अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो कहाँ अमेंडमेंट किया है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, एंड उसके बाद गैदर सम आइडियाज अबाउट इट. ओके, ठीक है, तो ये हॉट टॉपिक है. अगर करंट करंट में देखा जाए तो इट इज जस्ट अ हॉट टॉपिक दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है, राइट. ठीक है, तो ये हम समझेंगे. ओके, इसके देखिए, इसके बाद वही है द प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वही समझाना है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि ये ऑर्डिनरी बिल जो है, ठीक है, वो क्या है ऑर्डिनरी बिल, राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. लेकिन आई होप कि आपको ये ऑर्डिनरी बिल वाला जो सेक्शन है, अगर नहीं समझ, जो लोग पहले बार ये लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का जो जो प्रोसेस है, द पासिंग ऑफ दी मनी बिल एंड द ऑर्डिनरी बिल, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, राइट, चलिए अब देखते हैं उसके बाद द इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड अगेन देखिए, यहाँ पर लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको सिखा चुका था द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, राइट, तो इलेक्टोरल कॉलेज तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, और अगर नहीं पता है तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि पिछला वाला लेक्चर्स जो है जस्ट रिवाइज द लेक्चर्स, व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. जनरली यहाँ अगर मैं देखूँ तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन होते हैं, लाइक नो हु कॉन्स्टिट्यूट और विच बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, राइट. तो प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारा जो लोकसभा है वो होगा, हमारा राज्यसभा है वो रहेगा, ठीक है, एंड प्लस उसके साथ जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इंक्लूडिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ कहेंगे पुडुचेरी एंड दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो भी यूनियन टेरिटरी सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है, उनके मेंबर्स भी यहाँ पर इलेक्शन करते हैं, दे वोट फॉर द फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, राइट, तो ये भी मैंने आपको समझाया था. कब समझाया था पता है? मैंने एक फ्लोचार्ट ड्रॉ करके समझाया था, नो इन केस ऑफ राइट द डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, देखिए पूरा PPT ऐसे ही भरेगा, राइट, तो प्लीज़ मैं क्षमा कीजिएगा इसके लिए, राइट, क्योंकि नो जगह नहीं है अभी, राइट, और मेरे राइटिंग बहुत बड़े हैं, राइट. ठीक है, सो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्शन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर मैं आपको प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो समझाऊंगा. ठीक है, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर द एग्जीक्यूटिव में. ठीक है, लेकिन मुझे आपको यही समझाना पड़ेगा, राइट. तो ये दो चीज़ें हम देखते हैं. तो सबसे पहला अभी जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक है दैट इज कहेंगे दी सी दिस वन दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, राइट, वो मुझे अभी आपको समझाना है. तो नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ हम समझेंगे. दैट इज द प्रोसीजर फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट. प्रोसीजर क्या है? देखिए, दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है, अभी हमने देखा, वही पढ़ रहे हैं. देखिए, टॉपिक मत भूलिएगा, टॉपिक क्या है पता है? टॉपिक है कि भाई इक्वल पावर्स. ठीक है, हम इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा पढ़ रहे हैं. उसमें हम दो टॉपिक देख चुके हैं, सब टॉपिक्स, मतलब उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो देख रहे हैं. तो पॉइंट्स क्या थे भाई? तो कहेंगे भाई इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ओके, ठीक है, तो बिल लाना होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज करना है. सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब क्या. तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. लेकिन फॉर नो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज से 70 ईयर्स बैक इट वॉज मेड, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको अमेंड किया गया, उसको चेंज किया गया, जो करंट सिनेरियो, जो करंट सिचुएशंस आती है उसके रिस्पेक्ट से वो चेंज होते रहता है. ओके ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ चीजें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट. वो बहुत ही नो ऐसा कहा गया है कि ना आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नो टाइम आता है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड कभी कभी बहुत ही ज्यादा रिजिड है. रिजिड का मतलब एकदम ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या फिर नो एकदम ही सुपर स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो फ्लेक्सिबल भी है, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन रिजिड भी नहीं है इतना. तो प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि पेचीदा है, नो इट इज़ क्वाइट टीडियस वर्क फॉर द MPs टू चेंज टू हैव एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हमने कब अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है, लाए तो बिल तो है, बिल तो लाया गया, वो पास भी हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी आ गए. ठीक है, लेकिन किस टॉपिक पे चेंज आए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा. यू हैव माई नंबर, राइट. मैं बार बार अपना नंबर लिख देता हूँ अगेन. ठीक है, सो दिस इज माई नंबर, यू कैन मैसेज मी हियर एंड मुझे बताइएगा उसके बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी भी लीजिएगा. दिस इज माई नंबर, ठीक है, 9714347995. इसके ऊपर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सरकार को जरूरत पड़ी अमेंडमेंट लाने की, या फिर वो बिल लाए और वो पास भी हो गया और वो एक्ट बन चुका है, वो लॉ बन चुका है. देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड अ लॉ है ना, वही है एक्ट, राइट. एक्ट को लॉ भी कहते हैं हम लोग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट दिस बिल एंड लॉ? तो बिल कब तक है, कब तक वो बिल है? जब तक वो दोनों हाउसेस के बीच में है तब तक वो बिल है. जैसे ही उस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लॉ, वो बन जाता है एक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी होता है और फिर उसके बाद कोई टॉपिक में वो बिल लाया गया और वो टॉपिक के ऊपर वो एक्ट बन गया, ठीक है, वो लॉ बन गया. ठीक है, तो अभी हाल ही में वो चीज हुआ है, मुझे कमेंट कीजिएगा एंड मैसेज कीजिएगा. अगर कमेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, एंड उस पर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, राइट. चलिए, तो देखिए जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है. और ये पावर वो डिराइव कहाँ से करते हैं, तो कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में से ही करते हैं, अंडर आर्टिकल नंबर 368. अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको आर्टिकल नहीं पूछते, ठीक है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने यहाँ पर आर्टिकल मेंशन किया है कि आर्टिकल नंबर 368 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर्पस, राइट. अब देखिए अगेन हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वल पावर्स, राइट. वी वर स्टडिंग इक्वल पावर्स और इक्वल पावर्स के अंदर, देखिए ये भूलिएगा मत, हम इक्वल पावर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इक्वल पावर्स के अंदर मुझे कुछ समझाना है, डेप्थ में लेके जाना है टॉपिक को. तो मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, ठीक है, राइट, बोथ द हाउसेस ऑफ इक्वल पावर, हमारा काम तो वहीं हो गया था लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में लिया है. क्या लिखा है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, यहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा, initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either of the house, ठीक है, ये जो word है in either of the house of the parliament, देखिए either of the house, either का मतलब कौन, तो कहेंगे either लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों houses में कहीं पर भी ये introduce हो सकता है. can be initiated, यहाँ पर मैंने introduce word use किया है लेकिन यहाँ पर PPT में जो slide है वहाँ पर मैंने initiated लिया है. हालांकि both the words have the same meaning, introduction or we can say initiated, can be initiated in either house of the parliament, ठीक है, देखिए यहाँ पर parliament है and not in the state legislatures. अब यहाँ पर state legislature का मतलब क्या है, that is legislative assemblies and legislative council. तो यहाँ पर हमने federal structure को power नहीं दिया है, they don't have the power to amend the constitution or the change the constitution, right, the power is vested with whom, It is given to the parliament, ठीक है, the parliament of India, right. अब next देखते हैं क्या लिखा है. I hope आपको, देखिए हमारा जो topic है वो यहीं पे खत्म हो गया. First
पॉइंट ही खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत डेप्थ में लेके जाते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या लिखा है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब कौन, जो गवर्नमेंट में है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ही और शी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और बाय अ प्राइवेट मेंबर। आई होप आपको ये दो वर्ड्स पता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर कौन है, मिनिस्टर कौन है, एंड डज नॉट रिक्वायर अ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मुझे अगेन कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई, प्रायर परमिशन कहाँ चाहिए, ठीक है, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट किस चीज में चाहिए वो मुझे बताइएगा, एंड बखूबी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि प्रायर परमिशन कहाँ चाहिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, राइट, उसमें हमें प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, देखिए अब याद रखिए, देखिए इतना क्यों ये ज्यादा कहेंगे पेचीदा है, या फिर पेचीदा को इंग्लिश में कहेंगे कि ज्यादा व्हाट इज इंग्लिश, आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ द पेचीदा, देखिए टाइम बीइंग याद नहीं आता, ठीक है, बट टीडियस है, राइट, टीडियस मतलब समझते हैं, ठीक है, अबिट मुश्किल है, राइट, टीडियस इज द राइट वर्ड, कि बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है, राइट, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में हुआ है, एंड ऐसे कितने हुए हैं, अराउंड अबाउट 120 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं टिल डेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या लिखा है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए अगर मेजॉरिटी की बात आती है तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, ठीक है, जहां पर हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है, ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, तो कहेंगे 50% प्लस वन, ठीक है, राइट, ये आपको समझा चुका कि कोई भी चीज को हमें पास करना है या लागू करना है तो 50% प्लस वन आपका वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, रुकिए मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ओके, नाउ आई होप दैट इज क्लियर। तो बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, एंड दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजॉरिटी ऑफ 2/3, आ गया वापस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इस चीज को पढ़िए, ठीक है, लेट मी रब इट अगेन, ये आदत है मुझे, ठीक है, देखिए अगेन मैं पढ़ता हूँ, देखिए द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, ठीक है, ईच हाउस दोनों में पास होना चाहिए, सही बात है, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा एंड वाला जो चीज है कि साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए, देखिए 50% प्लस वन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सपोज की फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए सपोज कीजिएगा, मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, लेकिन सपोज कीजिएगा कि कोई भी हाउस है, लेट अस से फॉर एन एग्जाम्पल राज्यसभा है, एंड इसके पास 300 मेंबर्स है, ठीक है, टोटल मेंबरशिप। आप कहेंगे सर 300 का है, 250 है, एंड प्रेजेंट तो 245 है, लेकिन मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगाता हूँ, ठीक है, सपोज देर आर 300 मेंबर्स, ओके, अब ये 300 मेंबर्स में से हमें अगर कोई बिल पास करना है सिंपल मेजॉरिटी, तो व्हाट वुड बी द सिंपल मेजॉरिटी, द सिंपल मेजॉरिटी वुड बी 50% प्लस वन, ठीक है, राइट, दैट मींस 300 में से मुझे कितने मेंबर्स का साथ चाहिए, दैट इज 151, अगर 151 मेंबर्स मुझे हाँ बोलते हैं, दे वोट फॉर यस, तो मेरा कोई भी बिल पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए वी नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी, द स्पेशल मेजॉरिटी में क्या चाहिए, 50% प्लस वन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही वी नीड 2/3 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 300 मेंबर्स तो टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस दैट इज राज्यसभा वो है, लेकिन अब इसमें से प्रेजेंट कितने हैं, सपोज प्रेजेंट है 270, फॉर एन एग्जाम्पल 270 मेंबर्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, तो इसमें से मुझे सबसे पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा पता है, दैट इज 151 वाला, कि 151 मेंबर्स तो मुझे वोटिंग हाँ तो बोलने ही चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स कितना होता है, 2/3 ऑफ 27, राइट, दैट इज 8 टू द सॉरी 9 टू द 18, दैट इज 180 मेंबर्स की जरूरत है। ठीक है, तो 2/3 मेंबर्स ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ भी हालत में, लेकिन लेकिन मुझे ये वाला नंबर भी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेंबर। और सपोज सपोज कि सारे के सारे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका 2/3 कितना होता है, राइट, लेट मी हैव दिस, राइट, तो इसका जो 2/3 मेंबर्स होंगे दैट वुड बी व्हाट, 200 मेंबर्स। अगर सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट है तो मुझे 200 मेंबर्स की हाँ चाहिए, लेकिन ये 200 मेंबर्स में कौन आता है, 151 तो आती ही है, राइट। अब यहाँ अगर 270 मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं तो उसमें मुझे ये मार्क क्रॉस करना ही है, दैट इज 180 वाला मार्क, तभी जाकर इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। इसका और एक आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए ये समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है, लेट मी हैव वन सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल टोटल मेंबरशिप कितनी है, 300 मेंबर्स है, ठीक है, अब देखिए, अब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट ही 210 लोग हैं, दिस आर द मेंबर्स प्रेजेंट, ठीक है, अब इसका 2/3 निकालिए ना, 2/3 ऑफ 210 कितना होगा, 140, तो देखिए 140 मेंबर्स है, राइट, तो ये तो 2/3 वाला कंडीशन है ना, तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन लेकिन क्या क्या अगर फॉर एग्जांपल 141 मेंबर्स ने ही वोट किया, यस बोला, तो क्या हमारा दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, दैट इज 50% प्लस 1, नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, क्योंकि कितना होना चाहिए, 151 होना चाहिए, ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो हो गया, ठीक है, ये भाई प्रेजेंट थे 210, ठीक है, और ये नंबर तो हमने अभी अचीव दिस नंबर, ठीक है, लेकिन 50% प्लस 1 वाला अचीव नहीं हुआ, राइट, 151, तो ये बिल पास नहीं होगा। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैथ्स समझ में आना चाहिए, इसका क्या है मैथ्स, ठीक है, राइट, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं वापस से ये स्लाइड को आपको समझाऊंगा, ये स्लाइड लेकर, ठीक है। तो सपोज कि दोनों हाउसेज में से ये बिल, सॉरी फर्स्ट हाउस में से ये बिल पास होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, राइट, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल वो इनिशिएट हुआ था फ्रॉम लोकसभा, तो लोकसभा में से ये बिल पास हो जाता है, तो अब ये बिल कहाँ जाएगा, जाएगा सेकेंड हाउस में, दैट इज इन दी राज्यसभा, ठीक है, राइट, और यहाँ पर भी वही सारी कंडीशंस है, ठीक है, राइट, देखते हैं क्या कंडीशंस है, देखिए क्या लिखा है, ईच हाउस, सॉरी, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर याद रखिएगा कि ये दो दो जो हाउसेस है इनको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसको सेपरेटली पास करना है, अलग अलग पास करना है, साथ में मिलकर नहीं पास करना है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट का दूसरा वर्ड अगर मैं लिखूँ तो वो है डेडलॉक, है ना, जो कहाँ होता था, जनरली ऑर्डिनरी बिल में होता था, और ऑर्डिनरी बिल में जब डेडलॉक होता था तो क्या होता था, यहाँ पे प्रोविजंस क्या है कि दोनों हाउसेस को मैक्सिमम 6 मंथ्स दिए जाते थे टू रिजॉल्व द डेडलॉक, लेकिन 6 मंथ्स के बाद और एक प्रावधान था, देर वॉज वन मोर प्रोविजन फॉर दैट, क्या था कि 6 मंथ्स पास होने के बाद इफ द प्रेसिडेंट नीड्स या उनको लगता है तो वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे ज्वाइंट सिटिंग, है ना, ठीक है, आई होप आपको याद है कि डेडलॉक में क्या होता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेडलॉक हो गया और डेडलॉक के बाद कहेंगे ऑर्डिनरी बिल की बात है, लेकिन यहाँ पर जब डिसएग्रीमेंट होता है, लेट मी क्लियर दिस अगेन, ठीक है, यहाँ पर जब डिसएग्रीमेंट होगा कि
ठीक है, दोनों हाउसेस के बीच में। तो देर इज नो प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होगा। क्या है, तभी तो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, सेपरेटली पास करना है, और जब पास नहीं होगा, सेकेंड हाउस में से फॉल हो गया, वो बिल्कुल वो मेजोरिटी नहीं मिला, ठीक है। तो जब मेजोरिटी नहीं मिलेगा तो फिर वो बिल वहीं पे लैप्स हो जाएगा। लैप्स होना मतलब वहीं पे वो बिल खारिज हो जाएगा, ठीक है, राइट। वो बिल आगे जाएगा ही नहीं, वो एक्ट नहीं बनेगा, ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ड याद रखिएगा, मस्ट गिव हिज असेंट, मस्ट है, ठीक है, आपको अपना असेंट देना ही है, मस्ट, ठीक है। ही कैन नीदर withhold his assent, यहाँ पर withhold में space नहीं आना चाहिए था, मैंने space ला दिया, but withhold his assent to the bill, nor return the bill for the reconsideration to the parliament, ठीक है। लेकिन यही केस कहाँ पर होता था, यही केस होता था जब प्रेसिडेंट को लगता था कि भाई इसमें थोड़ी चेंज करना है, चेंजेस चाहिए, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते थे, कहाँ पर, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, है ना, ऑर्डिनरी बिल में वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते थे, राइट। और मानना नहीं मानना ये तो उस हाउस के हाथ में था, और अगर वो नहीं मानता या मानता, अगर नहीं मानता तो जब वापस प्रेसिडेंट के पास जाता तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता था जब सेकेंड टाइम वो बिल आता था। लेकिन यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात आती है, वो बिल आपके पास आता है, तो आप उनको, आपको मस्ट है, यू आर मस्ट टू गिव असेंट, ठीक है, राइट, द प्रेसिडेंट इज मस्ट, ओके। तो यहाँ पर ना ही आप उसको बिल को विथहोल्ड कर सकते हो, विथहोल्ड का मतलब वीटो लगा सकते हो, पॉकेट वीटो, नहीं, राइट, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, राइट, ना ही आप उसको वापस भेज सकते हो फॉर रिकंसिडरेशन। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इससे, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया वो बिल, ठीक है, तो वो बिल हो जाएगा एक्ट, ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा, राइट, और हम कहेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन अमेंडेड, ठीक है, इट हैज बिन अमेंडेड, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, राइट, आई कैन नॉट मेक लेक्चर मोर देन 20 मिनट्स, क्योंकि फिर अपलोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सो आई होप यहाँ तक एक टॉपिक मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्या समझाया, पता चला नहीं, पता चला ना, ठीक है। देखिए मैंने सिर्फ अभी तक आपको एक ही चीज समझाई है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, रुकिए, सॉरी, ठीक है, मैंने सिर्फ यही समझाया है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या सॉरी बिल, ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस वन ओनली। हमारा टॉपिक था, क्या था टॉपिक, इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, और वहां पर मैंने अभी समझाया द प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, राइट, इसका प्रोसीजर नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाए तो यू वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इजिली, ठीक है, राइट। सो हमने ये समझा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इम्पीचमेंट समझाऊंगा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम ही है, इसीलिए हम सिर्फ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट समझेंगे, ठीक है, राइट, आई होप क्लियर है टॉपिक। देखिए इंट्रोडक्शन इक्वल स्टेटस का है दोनों हाउसेस का, तो कहेंगे जब इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों में आपका सेम है, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वल स्टेटस कहां पर है दोनों के बीच में, तो कहेंगे इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड यू हैव माय नंबर आल्सो, मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन प्लीज यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे समझानी जरूरत है, क्यों समझाना जरूरी है, बिकॉज दैट टॉपिक इज नो समवॉट या समवेयर रिलेटेड टू द अदर टॉपिक व्हिच इज इन द सिलेबस, राइट। सेकेंड चैप्टर मुझे कभी सेकेंड चैप्टर का पार्ट कभी मुझे यहाँ पर समझाना पड़ता है, राइट, तो समझाना क्यों पड़ता है, बिकॉज दैट हैज अ बैकग्राउंड, दैट हैज अ रेलेवेंस टू द करेंट टॉपिक, ओके, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू गाइज,
एंड यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके ठीक है.